हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 अपीयर्ड स्टूडेंट्स। जिन्होंने अभी अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम दिसंबर 2020 में दिए हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है विद रिगार्ड टू सीए इंटरमीडिएट प्रिपरेशंस। देखो, रिजल्ट आने में अभी है टाइम, लगभग आप लगा लो डेढ़ महीना है, डेढ़ महीना नहीं तो कम से कम एक महीना तो आपके पास अभी भी है। मैं ये नहीं चाहता कि एक महीने का टाइम आप लोग खराब कर दो, तो इसलिए आपको सीए इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि सर अभी ये नहीं पता लग रहा कि हम पास होंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा, देखा जाएगा तब की तब। देखो, वो सिचुएशन तो आपकी एंड तक रहेगी, आपको जो एक डर रहता है वो तो एंड तक रहेगा, लेकिन इस डर के चक्कर में आप एक डेढ़ महीना खराब ना करो। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूं विद रिगार्ड टू सीए इंटरमीडिएट प्रिपरेशंस। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। देखो, हमने एक पैकेज निकाला है, वैसे तो हमारा पूरे ग्रुप का कॉम्बो है वो 32,000 का है, लेकिन अभी आप 5,000 रुपीज पे करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और आपको एक्सेस मिल जाएगा ऑफ ऑल द फोर सब्जेक्ट्स। ग्रुप वन के जो आपके चार सब्जेक्ट है, दैट इज अकाउंट्स विच इज टेकन बाय मी, लॉ विच इज टेकन बाय सीएस रमनदीप सिंह सर, टैक्स विल बी टेकन बाय सीएमए जीएस मल्होत्रा सर, एंड कॉस्ट विल बी टेकन बाय पंकज सर। ठीक है जी, तो आपको चारों क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। आप जब तक आपका रिजल्ट आएगा, आप एक एक दो दो चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के कवर करके रख सकते हो। देखो, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका रिजल्ट तक एक तो टाइम खराब नहीं होगा और कुछ ना कुछ आपकी इंटरमीडिएट की तैयारी होती चली जाएगी। ठीक है जी, अब दोनों पहलू देख के चलते हैं कि सर अगर हमारा मान लो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हम क्या करेंगे। रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर तो आप प्रॉपर तरीके से सीए इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर दोगे, ये जो आप पढ़ रहे हो वो भी आपका काम आएगा और आगे क्या आप प्रॉपर तरीके से आप बैलेंस फीस डिपॉजिट करके अपनी क्लासेस को प्रॉपरली शुरू कर सकते हो। और अगर बाय चांस हम 1% ये भी मान के चलते हैं कि बाय चांस रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग उस टाइम पे अपनी इंटरमीडिएट स्टॉप करके जो आपके 3 महीने बचेंगे, दैट इज फेब मार्च एंड अप्रैल, तो 3 महीने आप फुल फ्लेज फाउंडेशन की तैयारी करना और मई में फाउंडेशन एग्जाम देने के बाद दोबारा इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर देना। और जो आप अभी मुझे 5,000 रुपीज पे करोगे, उसकी एडजस्टमेंट मैं आपको आगे फीस में दे दूंगा। यानी कि ये 5,000 रुपीज आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, ये टाइम भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, दोनों चीजों की आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट मिलकर चलेगी। ठीक है जी, अब क्लासेस किस मोड में होंगी, तो गूगल ड्राइव के थ्रू होंगी। देखो, मैंने अपने सब्जेक्ट में अकाउंटिंग में तो आपको स्टार्टिंग में ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर करा दिया है, दैट इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसकी एग्जाम में वेटेज है लगभग 10 से 15 नंबर की। तो अगर एग्जाम में आप ये वाला चैप्टर भी, रिजल्ट तक अगर आप ये वाला चैप्टर भी कवर करके रखते हो, तो आपके 10-15 नंबर तो यहीं पर ही पक्के हो जाएंगे। और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, आप बड़ी आराम से इसे कवर करके चल सकते हो। ऐसे ही आपको टैक्स में, लॉ में, कॉस्ट में आपके कुछ ना कुछ कोर्स आपका रिजल्ट तक कवर होके चलेगा। तो एक कहते हैं ना, बर्डन ही आपका हल्का हो जाएगा। तो गाइस, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम मत खराब करो, जितनी जल्दी हो सके अपनी इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर दो। अबाउट टीचर्स, मैंने अपने लेक्चर्स पे YouTube पे अपने डेमो लेक्चर्स डाल रखे हैं, अपना भी डेमो लेक्चर डाल रखा है, लॉ का भी डेमो लेक्चर है, कॉस्ट का भी है, टैक्स का भी है, टैक्स में DT का भी डाला हुआ है, IDT का भी डाला हुआ है। आप प्रॉपरली उन डेमो लेक्चर्स को देखो, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, कुछ भी आपको इंक्वायरी करनी है, कोई चीज पूछनी है, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9717175748, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको फर्दर काउंसलिंग चाहिए कि अबाउट इंटरमीडिएट की हमें किस तरीके से करना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आप एक टाइम मुझसे लेकर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली गिव यू प्रॉपर सपोर्ट। ठीक है जी, तो गाइस डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी से जाओ और इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरा वे बता दूंगा कि कैसे पेमेंट करनी है, किस तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी, मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल गिव यू द डिटेल्स। लेकिन गाइस डोंट वेस्ट टाइम, एक डेढ़ महीना है, कम से कम 30-40 दिन है, तो 30-40 दिन में आप काफी कुछ कर सकते हो। रादर इस टाइम को खराब करने के बजाय इस टाइम को यूटिलाइज कर लो, आगे इंटरमीडिएट पढ़ना है तो अभी से इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर दो। और अगर तो आप बोथ ग्रुप्स प्लान कर रहे हो नवंबर 21 में, तो गाइस बोथ ग्रुप्स के लिए तो आपको लगना पड़ेगा अभी से ही, क्योंकि बोथ ग्रुप्स के लिए आपको 8 months की स्टडी प्लस 2 months का रिविजन पीरियड भी चाहिए होता है। तो अगर आप ये वाला टाइम कर दोगे खराब, तो गाइस आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम एंड यूटिलाइज दिस टाइम एज गुड एज पॉसिबल। ठीक है जी, तो कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।